नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दो मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। इस वीडियो के माध्यम से दो मुख्य बातें हैं, वो एक पहली बातें हैं जो फ्री स्मार्ट मोबाइल देने जा रही है राज्य सरकार, उसके लिए महिला मुखिया के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होने जरूरी हैं। यानी कि फ्री स्मार्ट मोबाइल लेने के लिए महिला मुखिया के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होने जरूरी है। यदि नहीं है तो आज ही अपने नज़दीकी मित्र पर जा करके या आधार सेंटर पर जा करके अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए, ताकि आपको फ्री स्मार्ट मोबाइल लेने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। दूसरी जो मुख्य बातें हैं, जो पेंशनधारी है वृद्धावस्था विशेष योगीजन विधवा पेंशन जो पेंशनधारी है उनके जो भौतिक सत्यापन हर वर्ष अपने जीवित होने का प्रमाण देने की जो सत्यापन डेट है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले आपका भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है जो पेंशनधारी है तो उनका अपने नज़दीकी ई मित्र पर अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवाइएगा, ताकि आपकी जो पेंशन है वो जारी रह सके। यदि आप ऐसा नहीं करवाते तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को इम्पोर्टेंट के तहत जरूर ध्यान दीजिएगा। जो तो मुख्य बातें हैं, अपने महिला मुखिया के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करवाना जरूरी है फ्री स्मार्ट मोबाइल लेने के लिए। दूसरी जो मुख्य बातें हैं वो जो पेंशनधारी है उनकी जो भौतिक सत्यापन की जो डेट है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी बात। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।